अब मेरे सवालों का सिलसिला मनीष जी आपसे शुरू होता है। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 साल अच्छा काम किया उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और अब आप ही की पार्टी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं कि आप शीर्षस्थ नेता जेल में, ये आप लोगों को बेचैन नहीं करता है? आप इस विवेक अंदाज में बड़े अच्छे से अभी आप बोल रहे थे कि ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है। मैं उसको सोच रहा था, उसको थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था उस पर आगे बात करूं। मैं सोच रहा था आगे का रिकॉर्ड कैसे बना, तो उसमें आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ये साबित हुआ कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ के बच्चे बहुत शानदार रिजल्ट ला सकते हैं, ये भी रिकॉर्ड है। सरकारी अस्पताल भी शानदार हो सकते हैं, ये भी रिकॉर्ड है। विदेश में जब सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोगों के बिजली के बिल जीरो आ सकते हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसी रिकॉर्ड से घबरा के भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, तो इसी रिकॉर्ड से घबरा के केंद्र की कोई पार्टी इतनी घबरा गई कि इधर उधर की मनोहर कहानियां बनाओ और इनको जेल में डालो, और मंत्री को पकड़ लो, मुख्यमंत्री को पकड़ लो, बस जेल में ठोको, कुछ भी हो, कोई बयान नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, किसी को पकड़ो, उससे बयान लो, उसको जेल में डालो, उससे बयान लो, उसको कर दो, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अगर कुछ गलत किया होता तो घबराहट भी होती, अगर कुछ गलत किया होता तो डर भी लगता, लेकिन कुछ गलत किया नहीं है इसलिए सीना चौड़ा करके जेल गया था और सीना चौड़ा करके निकल के आया हूँ।